होमवर्क रहेगा, फंडामेंटल्स का होमवर्क रहेगा। फंडामेंटल्स कैसे देखे जाते हैं, फंडामेंटल के हिसाब से हमें स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है। हमने अभी अभी सुबह जो रैट स्ट्रेटजी देखी है उसको मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि रैट स्ट्रेटजी में मैंने ट्रेड कैसे किया है। सी सुबह आज ही हमने रैट स्ट्रेटजी सीखी है। 9:23 को एक ट्रेड लिया, 9:40 को खत्म कर दिया। 9:53 को लिया, 9:54 को खत्म कर दिया। 9:56 को एक ट्रेड लिया है और 10:01 पे वो ट्रेड खत्म भी हो चुका है। ऑलमोस्ट मेरे 3 ट्रेड खत्म हो चुके हैं और 3 ट्रेड का अभी के लिए अगर मैं आप लोगों के साथ प्रॉफिट शेयर करूं, अक्षय सर वाज लाइक कितना हुआ होगा? ₹3,300 का प्रॉफिट मेरा हो गया है। एक एक दो दो मिनट के ट्रेड मैंने लिए हैं और 3,300 का प्रॉफिट लेके 3 ट्रेड में मैंने ट्रेड खत्म कर लिया। मेरा हार्डली इन्वेस्टमेंट है 33,000 to 40,000 के आसपास। मुझे अगर 10% मिल जाता है तो मैं निकल सकती हूँ यहाँ से। तो दैट इज सिंपल कॉल्ड, इसे बोला जाएगा रैट स्ट्रेटेजी। क्लियर? होमवर्क फर्स्ट ऑफ ऑल ले लो। क्रूड ऑयल का रेट है 113 रुपीज। हम लोग ये जो होमवर्क देखने वाले हैं, दिस इज ओनली फॉर द फंडामेंटल्स। 130 रुपीज। देन उसके बाद में $77.40, बॉन्ड यील्ड 3.15 एंड वीक्स जो है वो 22.32। बॉन्ड क्या बोले मैम? बॉन्ड 3.15। ठीक है। बॉन्ड यूएसए चा इंटरेस्ट आपण बघतोय, आपण इंडियन बॉन्ड्स नाही बघत आहोत। ठीक है। देन उसके बाद में यूरोप क्रूड ऑइल डॉलर एंड बॉन्ड ना मैडम? बॉन्ड 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 यील्ड म्हणतात त्याला। बॉन्डचा जो इंटरेस्ट असतो ना त्याला बॉन्ड यील्ड म्हणले जाईल। बॉन्ड यील्ड जे आहे, जो इंटरेस्ट आहे त्याला यील्ड म्हणले जाईल 3.15। हा कंपेअर करायचा तुम्हाला लास्ट 10 इयर मध्ये कसा होता, प्लस होता मायनस होता, मतलब अपग्रेडेड आहे या डाउनग्रेडेड आहे, ये आपको काउंट करना है। ठीक है। यूरोपियन यूनियन एंड रशिया ऑयल रिलेटेड डिस्कस करेगी। इस वजह से क्या होगा, अगर रशिया, सिंपल है, होमवर्क इस तरीके से करना है, वो पहले आप डिस्कस कर लो। अगर यूरोप यूनियन और रशिया ऑयल के बारे में डिस्कस करेगी तो कौन से सेक्टर्स में इसका असर दिखेगा हमें? कौन से सेक्टर में असर दिखेगा? ट्रांसपोर्ट। कौन सा? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट के लिए क्या लगता है? फ्यूल। फ्यूल। तो ऑयल और गैस सेक्टर पे इसका असर होते हुए हम लोग देखेंगे। वेरी सिंपल है, गैस और ऑयल सेक्टर में हम लोग इसका असर होते हुए देखेंगे। नेचुरल गैस, क्या लग रहा है आप लोगों को, रशिया और यूक्रेन का वॉर थमेगा या नहीं थमेगा? पुतिन ही बता सकता है। नहीं थमेगा। क्यों? इतनी जल्दी नहीं। द रीजन क्यों नहीं थमेगा, अगर फंडामेंटल न्यूज के हिसाब से स्टडी करना है तो मैं किस तरीके से स्टडी करूं? मतलब लाइक ये थमेगा या नहीं थमेगा? ये लंबा जाएगा मैडम थोड़ा। तो इसके कितने चांसेस आपको लग रहे हैं कि ये नहीं थमेगा? तो यस डेफिनेटली अभी फिलहाल इसके कोई चांसेस 80% मैडम, ये लंबा जाएगा। यस
ये थमने के चांसेस कुछ दिख नहीं रहे हैं। इस वजह से अगर आप देखोगे तो ओवरऑल सारे मार्केट मंदी में है। जब सारे मार्केट्स मंदी में होते हैं तो कौन सा मेटल चलता है? फंडामेंटल के हिसाब से कौन सा मेटल चलेगा? इसका गोल्ड एंड सिल्वर। तो आज आपको देखना है गोल्ड और सिल्वर का रेट। अगर वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा है तो यस डेफिनेटली अपग्रेडेड होगा गोल्ड और सिल्वर का रेट। वो भी आपको आपके रोज के डायरी में अपग्रेडेड कंपलसरी रखना पड़ेगा। सो कल हमने अगर पूरा फॉरेन मार्केट डाउन देखा है, वही गोल्ड और सिल्वर भी थोड़ा सा मंदी में देखा है। फिर आपको काउंट करना है FIs का सेलिंग और DIs का सेलिंग और बाइंग। तो कल के डेट में FIs ने 5,517 करोड़ का सेल किया है। FIs ने कल 5,517 करोड़ का सेल किया है, वही DIs ने 3,014 करोड़ से बाइंग की है। अब इससे क्या कंपैरिजन आ रहा है आपका, बताओगे आप लोग मुझे? सेलिंग ज्यादा FIs का। Yes. कल आपको कॉल दिया था, याद है ग्रुप में मैंने बजाज ऑटो का कॉल डाला था, कितने लोगों ने लिया? बजाज ऑटो का कॉल कितने लोगों ने लिया था? नहीं लिया था मैम, मेरा और अभी अक्षय सर का बात हुआ था, मैंने अक्षय सर को स्ट्रैटेजी बना के वो अक्षय सर ने ली थी। मैंने लिया था, मैंने 12,000 का प्रॉफिट बुक किया है अभी। हरिश्चंद्र सर त्या दिवशीच्या ऑप्शन मध्ये प्रॉफिट बुकिंग केलेलं 80 रुपीज वाला ऑप्शन जे आपण सेल केलेलं, तुमचं माइक म्यूट आहे आय थिंक। 80 रुपीज वाला मी 55 च्या आसपास काढून टाकला। येस, आणि कालचं काय घेतलेलं? मी ऍक्सिस बँकेचा घेतोय सर रोज ऍक्च्युली ऑप्शन मध्ये। मी आम्हाला शेअर करणार होता तुमचा ऍक्सिस बँकचा एक्सपिरियन्स। नाही असं काय फार मोठा एक्सपिरियन्स नाही, या एक 8-10 दिवसातच आहे, पण साधारण रोजचा ऍव्हरेज एक दोन पॉइंट त्यातनं काढतोय 1200 क्वांटिटीचे। हो पण 1200 पर्यंत तुमचा एक्सपिरियन्स तुम्ही शेअर करणार होता। हां, न्यूमरोलॉजीचा एक्सपिरियन्स शेअर करणार होता तुम्ही। हां, न्यूमरोलॉजीचा एक्सपिरियन्स ऍक्च्युअली काय, म्हणजे न्यूमरोलॉजी घेण्यापूर्वी सुद्धा तुम्ही जे काय 1 to 9 च्या अंकसंख्येवरून जे काय प्रत्येकाला लॉजिक लावलेलं होतं की बर्थ डेट वरून तुम्हाला कोणता नंबर सुटेबल आहे, आणि माझी बर्थ डेट 18 आहे, 18 आहे, 18 म्हणजे 9 येतो, आणि 9 प्रमाणे मी फक्त डोळे झाकून तुम्ही सांगितलेल्या 9 प्रमाणे टेबलचा उपयोग केला, आणि बाय आणि सेल सिग्नलला आकडे जे काय ज्या ठिकाणी बाय करतोय किंवा ज्या ठिकाणी सेल करतोय त्या ठिकाणी फ्रॅक्शन मध्ये पैसे पण घेतो, पण ती टोटल अशी करतो की ती 9 पटीमध्ये असेल, आयदर 9, 18, 27 वगैरे, आणि एक्झिटलाही सेम करतो, आणि त्याचा मला हे चांगला मिळाला की बहुतांशी ठिकाणी मला तो सक्सेस आला। येस सर, येस, थँक्यू फॉर द शेअरिंग। येस, सो ये था अभी के लिए, हमने गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और मेटल और गैस और ऑयल के लिए हमने बात की। हमने बात की अबाउट द डीआईज का बाइंग सेलिंग भी हमने बात किया। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर जब आप फॉलो करते हो तब आपको जाके पता चलता है कि आज मार्केट में क्या होगा। आज मार्केट प्लस खुलेगा, माइनस खुलेगा, सेक्टर्स वाइज भी देखना ही उतना ही जरूरी है हमारे लिए। अब आते हैं पर्टिकुलर स्टॉक को कैसे फाइंड आउट करना है। जैसे कि जिसे हम लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं, आपके किसी फ्रेंड ने ले लिया है, उसे बोला जाता है कि ये इनसाइडर न्यूज है। एक्चुअली ऐसे कुछ नहीं होता, ये न्यूज अभी हम लोग फाइंड आउट करना सीखेंगे। ये न्यूज फाइंड आउट करने के लिए आपके पास 2 न्यूज पेपर है, 1 ऑफ न्यूज पेपर जो प्रैक्टिकली हम लोग अभी वर्क कर रहे हैं, दूसरा न्यूज पेपर जो है वो है इकोनॉमिक टाइम्स। इकोनॉमिक टाइम्स में आपको सारी न्यूज मिलेगी जो
जैसे कि अभी आप एक न्यूज ले सकते हो, टाटा पावर को कोयले के बिजनेस में लॉस हुआ है. टाटा पावर को कोयले के बिजनेस में लॉस हुआ है. मुंद्रा बिजनेस में भी इन्हें लॉस लेना पड़ा है, लॉस उनका बढ़ गया, ऐसे बोल सकते हो. बट फिर भी इसका रिजल्ट ऊपरा ऊपरी देखोगे तो अच्छा दिख रहा है. सेकेंड न्यूज ले लीजिए, ल्यूपिन को फिनटैप टैबलेट के लिए यूएस एफडीए से मंजूरी मिल गई है. प्रेगानिल कैप्सूल्स के मार्केटिंग करने के लिए यूएस एफडी, प्रेगानिल कैप्सूल का मार्केटिंग करने के लिए लुपिन को यूएस एफडीए ने मंजूरी दे दी है. वही सेंट्रल बैंक लॉस से निकल के प्रॉफिट में आई है. पहले लॉस था रुपीज 1349 करोड़ का लॉस था. अब वो लॉस निकाल कर 390 करोड़ का स्टेट बैंक को प्रॉफिट हुआ है. अब आप लोग आपस में डिस्कस करोगे कि ये कौन सी न्यूज पॉजिटिव है और कौन सी न्यूज निगेटिव है. जब तक आप खुद को डिस्कस नहीं करोगे ना, तब तक आप लोगों के समझ में नहीं आएगा. मैं तो आपको बताने वाली हूँ कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, बट एक बार आप एक एक न्यूज एक दूसरे के साथ शेयर करो, एक दूसरे से डिस्कस करो और फिर बताओ मुझे कि पॉजिटिव है या निगेटिव है. टाटा मोटर्स का न्यूज निगेटिव है. माइक वर्ग्यून बोला. टाटा मोटर्स का न्यूज निगेटिव, टाटा पावर ची न्यूज निगेटिव है. आणि लुपिन साठी पॉझिटिव्ह न्यूज आहे. म्हणजे श्वेता मॅम, टाटा पॉवर का न्यूज निगेटिव्ह आहे और लुपिन के लिए न्यूज पॉझिटिव्ह आहे. और मॅम सेंट्रल बँक का जो न्यूज आहे, हां वो भी एक पॉझिटिव आहे. कंपेयर टू लास्ट पॉझिटिव आहे मूवी में. आप लोग डिस्कस करोगे मेरे साथ में. आप जितने लोग अभी फिलहाल हो Zoom में, उतने सारे लोग चाहिए तो मैं Definitely सुन रही हूँ, इतना ध्यान रखो. मैं हूँ नहीं रूम में, ऐसे समझ के चलो. ये जो फिर यूके का न्यूज़ है, आपके अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है अक्षय सर? पॉजिटिव है ना, उसको अप्रूवल मिला है नया, तो ऑब्वियसली उसका बिजनेस भी बढ़ेगा ना. में कैसे इफेक्ट करेगा जैसे लुपिन के साथ, जैसे ये रिलेटेड टू यूएस, यूके यूएस का न्यूज है ये, तो अपने इंडिया में कैसे उसका पॉजिटिविटी आएगा रिलेटेड टू व्हाट? उसको ओवरऑल प्रॉफिट उसका बढ़ेगा ना, बिजनेस बढ़ेगा तो उसको इन्वेस्टमेंट तो इंडिया में ही होने वाला है ना उसका. ओके ओके. फॉरेन ट्रेड्स पण बघावे लागतील ना आदल्या रात्री काय झालं उसका. लुपिनाज प्लस में भी चल रहा है. एक्सपोर्ट पण वाढेल ना लुपिनचा. हा ओव्हरऑल त्याचा पॉझिटिव्ह न्यूज, लुपिनचा एक्सपोर्ट वाढेल. सेंट्रल बँक लॉस मधून प्रॉफिट मध्ये आली आहे, त्यामुळे ती पण पॉझिटिव्ह आहे. आणि टाटा पॉवर आता जरी ह्याच्यामध्ये असेल शॉर्टफॉल असल्यामुळे कोलमध्ये लॉस आहे, पण ती बाइंग साठी जाणार आहे आणि रिक्वायरमेंट ही वाढत राहणार आहे. टाटा पॉवर ची न्यूज आपल्यासाठी पॉझिटिव्ह आहे, कारण शेअर डाऊन होईल तर आपल्याला बाईंग करता येईल, त्याच्या विकत घेता येतील. हा आता विकत घेता येतील. असतात आणि टाटा पॉवर आहे, ते पॉवर तर कन्सिस्टंटली रिक्वायरमेंट आहेच ना. एक्झॅक्टली, त्यामुळे त्याच्यावर त्यांना सोल्युशन हे काढावंच लागेल ना. जरी कोळशाचं शॉर्टेज जरी असेल
तरी बिझनेस पुढे पॉवरची रिक्वायरमेंट वाढणार आहे, त्यामुळे त्यांना त्यामुळे त्याच्यावर सोल्युशन काढावं लागेल. पॉझिटिव्ह राहणार आहे कायम, म्हणजे तिन्ही आताचे जे दिलेले शिफ्ट आहेत ते तिन्ही पण पॉझिटिव्ह आहेत. तिन्ही पण पॉझिटिव्ह आहेत या तिन्ही पण. मॅम तुम्हाला काय वाटतं ते तर सांगा. म्हणजे मग सगळ्या पॉझिटिव्ह न्यूज आहेत. नाही टाटा पॉवरची नाहीये, मार्केट साठी पॉझिटिव्ह नाहीये न्यूज तो मॅडम. नाही नाही तरी पण तुम्ही आता जसं म्हटलं की आता ते विकत घेण्यासारखं आहे. आता जरी ती लॉस मध्ये असेल तर ते आता विकत घेता येईल. आणि टाटा पॉवर पॉवरची रिक्वायरमेंट आहेच ना. मॅडम तुमचं म्यूट आहे का? तुमचा आवाज येत नाही मॅडम. मॅडम म्यूट आहे तुम्ही. हो 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 हो. थँक्यू थँक्यू. आणि आय एम सो सॉरी. ठीक आहे. टाटा पॉवरला मी मैंने क्या बोला की टाटा पॉवर के लिए अभी फिलहाल कोल बिजनेसेस में लॉस हो रहा है, राइट? ठीक है. अब यहाँ पे मुद्रा में भी उनका लॉस बढ़ा है. ठीक है, मुद्रा में भी उनका लॉस बढ़ा है. अब यहाँ पे उनको फायदा साधु सर माइक में उठे वन मुद्रा अलग है और मुद्रा अलग है. मुद्रा में लॉस हुआ है जहाँ पे लॉस बड़ा है और मुद्रा में उन्हें फायदा हुआ है. तो ओवरऑल अगर आप रिजल्ट देखोगे तो रिजल्ट नॉट बैड. मतलब दो बिजनेसेस में थोड़ा लॉस हुआ है, एक बिजनेसेस में प्रॉफिट हुआ है. तो बिजनेस में अगर आप देखते हो सारी चीजें तो नॉट इन लॉस ऐसे हम लोग बोल सकते हैं. ऊपरा ऊपरी रिजल्ट अच्छा है. तो लॉन्ग टर्म के लिए जो खरीदना है, जैसे आज आप लोगों को होमवर्क दिया है मैंने सुबह के बैच में कि आपको 5 स्टॉक निकालने हैं. तो जब आप 5 स्टॉक निकालोगे तो इसका फंडामेंटल आप निकालोगे. ये जो न्यूज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही है टोटली और टोटली सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल न्यूज है, जो जिसके तह तक जाके हमें स्टॉक निकालना है कि ये खरीद सकते या नहीं खरीद सकते. डेफिनेटली अगर आपको आदत लग गई है एक्सिस बैंक खरीदने की तो आप इसमें नहीं जाओगे. मुझे HDFC बैंक की आदत है, मुझे टाटा मोटर्स की आदत है, तो यस डेफिनेटली आप इस चीजों में नहीं जाओगे. बट जितना आप स्टडी करोगे ना, पर्टिकुलर ये न्यूज आपको मिली है और ये न्यूज के बारे में अगर आप स्टडी करते हो तो कल जाके फिर आपको पता चलेगा आपके स्टॉक का भी फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है. वेरी सिंपल. डन. तो कितने सारे न्यूज हो गए आप लोगों के पास अभी? मॅडम आता या न्यूज बद्दलच काय मत आहे तुमचं ते नाही सांगितलं तुम्ही अजून. कुठल्या न्यूज बद्दलच? या 3 न्यूज बद्दलच तुमचं मत काय? मला होमवर्क दिलं हे स्पष्ट नाही सांगितलं तुम्ही अजून. तुम्हाला होमवर्क दिलाय? नाही नाही तुम्ही डिस्कस करा म्हटलाय. हो तर म्हणून तुम्ही म्हटलाय डिस्कस करा. फाइंड आउट करणार तुमचं. आज तुमचा क्लास संपवणार होते पण मी उद्या परत घेते कारण हा होमवर्क देते आहे. ठीक आहे. चालेल चालेल. ठीक ठीक ठीक. PVR के लिए एक और न्यूज ले लीजिए. मेरे पास न्यूज का भंडार होता है तो मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ. PVR का प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन जो प्रॉफिट है वो बड़ा है, लॉस कम हुआ है PVR को. और कंपनी ने बोला है 2022 और 2023 में 120 से लेके 125 नए स्क्रीन ये अप्लाई करेंगे. ठीक है. इज इट गुड न्यूज और बैड न्यूज? गुड न्यूज. गुड न्यूज. कि अभी लॉस क्यों कम हुआ है? कोई रीजन है कि लॉस क्यों कम हुआ है? कोरोना नंतर आता हाँ अभी थिएटर्स ओपन हो गए हैं. थिएटर मध्ये ओपन होते थिएटर्स तर आता परत पब्लिक वाढते. एग्जैक्ट. सेल वाढतो. एग्जैक्ट. सो PVR खरीदना नहीं चाहिए, चाहिए कौन से रेट पे खरीदना चाहिए, कितना क्वांटिटी खरीदना चाहिए, ये आप लोग अभी स्टडी करने वाले हो. कल के डेट में मिथुन सर हमने टर्मिनल समझाया, स्क्रिप्ट के नाम, बाइंग क्वांटिटी,
बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग क्वांटिटी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, एवरेज ट्रेड प्राइस, परसेंटेज ऑफ चेंजेस, देन उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा था ओपन, लो एंड हाई। इतनी ही चीजें आपको जरूरी होती है जब आप टर्मिनल ओपन करते हो, जब आपका टर्मिनल शुरू होता है तो इतनी ही चीजें आपको जरूरी होती है आपके टर्मिनल पे। तो इसमें इसमें कई आपको दिक्कत है? हे तुमच्या ब्रोकर कडे तुम्हाला मिळेल सर। मॅडम परत एकदा मला सांगाल, मी लिहून घेतो, मी याचं स्क्रीनशॉट पाठवते, डोंट वरी। प्लीज प्लीज, थँक्यू। स्क्रिप्टची नाव बाइंग क्वांटिटी, बाइंग किती शेअर तुम्हाला करायचे असते, कितना शेअर, आय एम सो सॉरी श्वेता मॅम मेरा मराठी शुरू हो जाता है, सो कितना क्वांटिटी बाय करना है, वो 95 क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर रहा है, 68.90 प्राइस दिया है उसने, वही सेलर का प्राइस है 69, सेलिंग क्वांटिटी है 36, सो बायर्स एंड सेलर्स, लाइव मार्केट चल रहा है, ब्लू माने प्लस, रेड माने माइनस, तो ये बाइंग और सेलर का दोनों का कंपटीशन चल रहा है। सेलिंग क्वांटिटी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, लास्ट ट्रेडेड प्राइस मतलब इन दोनों के कंपटीशन में 69 के रेट का लास्ट ट्रेड हुआ है, जिसे LTP भी बोला जाएगा, कैश मार्केट प्राइस भी बोला जाएगा, करंट मार्केट प्राइस CMP भी बोला जाएगा, एवरेज ट्रेड प्राइस, ये तीनों का एवरेज निकाला जाएगा, ओपन, लो एंड हाई, इन तीनों का एवरेज निकाल के एवरेज ट्रेड प्राइस आएगा, एंड देन परसेंटेज ऑफ चेंजेस, कल के क्लोजिंग से आज ये स्टॉक कितना प्लस है कितना माइनस है ये बताया जाएगा। कल का मैच मैडम कितने लोगों ने फॉलो? यस सर प्लीज। आता या ठिकाणी काही ठिकाणी ब्लू आहेत, काही ठिकाणी रेड आहेत मार्किंग्स, पण काही ठिकाणी काहीच मार्किंग नाहीयेत, मग काय? जिकडे ट्रेड व्हॉल्यूम कमी आहे ना तिकडे नसेल। ओके, जिकडे ट्रेडिंग जिथे चालू आहे आणि फ्लक्चुएटिंग आहे फार, म्हणजे सतत बदलतंय, हां जिथे ट्रेडिंगचा व्हॉल्यूम आहे ना तिथे होईल, नाही फार फ्लक्चुएटिंग म्हणजे दर सेकंदाला बदलतं का मॅडम हे परिमाण? याचं सेकंदाला डिफरन्स दिसेल तुम्हाला, एव्हरी 3 सेकंदला डिफरन्स दिसेल। ओके, जाधव सर काल प्रॉफिट बुकिंग केला निफ्टी मध्ये? नाही मॅम, मी ऍक्च्युली ड्राईव्ह करत होतो, मी तुमचे मेसेजेस नाही बघितले, मेसेज बघितले रात्री, मी अजून पण प्लस मध्येच आहे। सकाळी जो आपण पुट सेल करू गेलो होतो तो नाही नाही केला मॅम, मी मेसेज नाही बघितले, आणि टार्गेट मी 0 चं ठेवलं, मी ऑलमोस्ट 15-20 दरम्यान काढणार होतो, पण नाही मला पॉसिबल झालं, मी ड्राईव्ह करत होतो काल। हरिश्चंद्र सरांनी केला प्रॉपर प्रॉफिट बुकिंग, मी केला, मी काल खूप छान पैसे। किती किती पॉइंट वर केला मॅम? मी ऑलमोस्ट 38 कव्हर केलेला तो, आणि जो मी सकाळी तुम्हाला मनी मॅग्नेट स्ट्रॅटेजी दाखवली त्याच्यामध्ये 8-10 घेतला। आज काय आहे? रोज रोज नसत ना सर, नाही का? आज साइडवेज आहे का मार्केट असं दिसतंय? आज मी बजाज ऑटो काल केलेला, जो तुम्हा लोकांसोबत शेअर केला ना तोच मी केलेला, मी त्याच्यात पण मनी मॅग्नेट स्ट्रॅटेजी केली आहे, दाखवू शकते मी तुम्हाला। तुमची फेवरेट स्ट्रॅटेजी त्यातली कोणती आहे? मी सगळ्या सिच्युएशनच्या हिशोबाने वापरते। अच्छा, जशी सिच्युएशन असेल ना तशी मी वापरते, जसे की आज HDFC बँकेमध्ये मी तुम्हाला आताच दाखवलं ना की मी रॅट स्ट्रॅटेजी केली आहे, सिम्पल मी रॅट स्ट्रॅटेजीवर काम केलंय, सो अशा सगळ्या स्ट्रॅटेजी सिच्युएशनच्या हिशोबाने मी वापरत राहते, जशी जशी सिच्युएशन येईल तसं। तेच मी तुम्हा लोकांना आता सांगणार होते की पहिल्या दिवसापासून मिथुन सर कुठे गेले आहेत ना? मिथुन सर फर्स्ट फर्स्ट डे से हमने ट्रेंड देखा, म्युच्युअल फंड, IPO, इक्विटी, डे इंट्राडे, फ्यूचर ऑप्शंस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आज हम लोग देखने वाले हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग हमने किया, रैट स्ट्रेटेजी किया, 58-week स्ट्रेटेजी किया, उसके बाद में हमने किया जीरो लॉस स्ट्रेटेजी, मनी मैग्नेट स्ट्रेटेजी,
ऑप्शंस में हमने स्ट्रेटजीज किए, तो ये सारा कोर्स हमने इंक्लूडिंग आज के दिन में फंडामेंटल होमवर्क लेके खत्म किया है। उसके बाद में कल हमने मैजिक फॉर्मूलाज दिया था, कितने लोगों ने मैजिक फॉर्मूलाज यूज किए, कितने लोगों ने उस पर काम किया, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि कितने लोगों ने उस पर काम किया या सिर्फ लिख के रखे। आज एटलीस्ट जो मैंने लिंक दिया था, जो स्कैनर आपको मिला था, उसके ऊपर से आपने कुछ तो फॉलो बैच है उनके लिए। This meeting is being recorded. 1 lakh rupees आप लोगों के पास है, आपको मुझे फंड डाइवर्सिफाइड करके देना है, जो भी सेगमेंट आपको अच्छा लगा है, जहां पे भी आप ये पैसे डालना चाहते हो, दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आपको बस सिंपल छोटा सा काम करना है, 1 lakh rupees का डिस्ट्रीब्यूशन मुझे बताना है। आप म्यूचुअल फंड में कितना डालोगे, आप आईपीओ के लिए कितना रखोगे, आप इक्विटी के लिए कितना रखोगे, डे इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शंस के लिए आप कितना रखोगे। आप नहीं बोल सकते हो कि इक्विटी फ्यूचर में हम लोग कैसे इन्वेस्ट करें 1 lakh rupees se 25,000, बिकॉज आपके पास स्ट्रैटेजी है जो 25,000 में भी हम लोग अभी फ्यूचर में काम कर रहे हैं। सो आपको मुझे बहुत प्रॉपर वे से फंड डाइवर्सिफाई करके देने हैं, जिसमें लॉस नहीं होगा। ऐसे आपको मुझे पोर्टफोलियो आपका बना के देना है। आप खुद का ही पोर्टफोलियो बनाओगे बट जिसमें जीरो लॉस होगा। अब इतनी सारी कंटेन आपके पास है तो डेफिनेटली आपके लॉस के चांसेस यहाँ पे जीरो हो गए। अब मिथुन सर, आप फॉर्मूले प्लीज लिख लीजिए।